बता दें कि बीते दो महीने पहले 3 सितंबर को बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे के आवास में चोरों ने लाखों की नकदी और जेवरों की चोरी को अंजाम दिया। घटना के समय सीओ राजीव प्रताप सिंह की पत्नी शहर के बाहर थी। तहसील दिवस के बाद जब सीओ साहब अपने आवास पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और कीमती गहने और नकदी नदारद थी। फिर सीओ ने इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस चोरी का खुलासा करने के लिए बांदा पुलिस ने कई टीमें बनाई थी, जिस पर पुलिस ने 3 चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस खुलासे के बारे में बांदा के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि दो महीने पहले तरह के सेवावास में लाखों की चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वह इनके पास से नकदी व जेवर भी बरामद कर लिए। अधीक्षक ने बताया कि चोरों का कहना है कि वो सभी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और प्रमुखता डॉक्टर्स कॉलोनी को ही निशाना बनाते हैं। सीओ आवास डॉक्टर्स कॉलोनी में है। आवास के बाहर नेम प्लेट नहीं लगी थी, जिसे डॉक्टर का मकान समझकर इस चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 3 चोरों से पूछताछ कर ली गई है और चोरियों की जानकारी भी ली गई है। दहाड़े चोरी हो गई, क्या है पूरा इसका मामला? जी, लगभग 1 से 1.5 के बीच में, जैसा कि पता चला है कि 1 से 1.5 के बीच में ये चोरी हुई है और उस समय हमारे क्षेत्र अधिकारी अतर्रा तहसील दिवस अटेंड कर रहे थे और जब ये तहसील दिवस से लौट के आए तब इन्हें पता चला। उसके बाद इन लोगों ने हम सभी लोगों को बताया कि इनके आवास में चोरी हुई है और सामान बिखरा हुआ पड़ा है। और इसके बाद अभी उनके उनकी पत्नी परिवारीजन भी पहुँच रहे हैं। उसके बाद पूरी घटना, जो भी चोरी में सामान गया है, जो भी चीज़ें गई हैं, उसके बाद ही सामने। सर, क्या क्या चोरी हुआ, क्या क्या सामान? तो मैं बता रहा हूँ कि वो जब उनकी पत्नी आ जाएंगी, वो अभी रास्ते में है और रास्ते से जैसे ही अभी यहाँ पहुँचती हैं, उसके बाद वो लोग लिस्ट और तकदीर बाकी सारी चीज़ें देंगे और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरी चीज़ें क्या क्या।